वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा की अध्यक्षता में मध्य जायद अभियान 2021 के तहत फसल के उत्पादन की रणनीति हेतु राज्य स्तरीय जायद गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, उप कृषि निदेशक संजय सिंह, जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी सहित कृषि विभाग से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। गोष्ठी में जायद फसल के उत्पादन को बढ़ाए जाने सहित कृषि क्षेत्र में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा ने कहा कि संबंधित अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में खाद बीज सिंचाई की समुचित व्यवस्था कर ले तथा जो कमी हो उसे शासन से अवगत कराएं, जिसे तत्काल दूर किया जा सके। इसके अलावा गोष्ठी में जायद फसल के उत्पादन का प्रशिक्षण भी दिया गया, जिससे किसान अपने उत्पादन को दुगना कर सके और उनके आय में बढ़ोतरी हो सके। और इससे जो है मैक्सिमम किसान हमारे जनपद के जो है सर इसके तरफ अग्रसर है और खेती कर भी रहे हैं। जी सर, यहाँ पर सर जायद में सब्जियाँ ज्यादा होती हैं सर, 310 हेक्टेयर से अधिक सर सब्जी की खेती होती है। सारी सिंचाई सर समस्या है, पर सर रैक पॉइंट हमारे पास नहीं है सर, हमें बस्ती से गोरखपुर से अलाट होता है तो उसमें सर हमें जाती है। और अभी तक ग्रेडिंग नहीं हो पाई है, जिसके कारण से हमारे यहाँ उड़द की बुआई प्रभावित हुई है। तो इसमें एक अनुरोध है कि यदि वो रीग्रेडिंग जल्दी हो जाती है और यदि ये नहीं संभव है तो कहीं अन्यत्र जगह से सीड्स की अवेलेबिलिटी हो जाए तो हमारे यहाँ उड़द की बुआई संभव हो सके। जो दलहनी फसलें हैं इनके लिए राइजोबियम और SV यदि हमको हो जाता है तो हम करके और वो भी कराएंगे तो उससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। दो इशूज सर और भी हैं जिस पे मैं सर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक तो सर यह है कि हमने रिक्वेस्ट किया था कि बायो फर्टिलाइजर और बायो इंसेक्टिसाइड्स के लिए ये कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा जनपद के किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है, तो इस संबंध में अनुरोध है कि यदि में इसकी फैसिलिटीज करा दी जाए तो ये इससे काफ़ी हमको आसानी हो जाएगी। साथ ही साथ इसमें जो किसान पाठशालाएँ हैं तो पहले चरण में हमारी 8-9 मार्च को हुई थी और 15-16 मार्च को सेकेंड फेज है किसान पाठशाला में, तो उसमें हम जायद भी फसलों की बुआई के संबंध में स्पेशल एम्फेसिस देने की कोशिश करेंगे। एक चीज सर और भी है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि सर ज्ञान की जो साइट है उस पे तो जो किसान गेहूं की खेती करते हैं तो उनको 4 वर्ष पहले अनुदान मिला था। अच्छा, नियमता 2 साल बाद पुनः वो अनुदान के पात्र हो जाते हैं। और इशू यह है कि हमारे यहाँ इसमें खरीफ में ये बाढ़ और जल भराव से धान की फसल प्रभावित होती है, लेकिन ये जल भराव और जल खत्म होने के कारण से उसमें उनको सहायता दे नहीं होती है। तो अनुरोध है कि यदि इसको शासनादेश में सम्मिलित कर लिया जाए, एटलीस्ट यदि गांव में 25% लॉस होता है तो उसमें यदि देयता कर दी जाए तो यहाँ किसानों को लाभ होगा। सर तीसरे हमारे यहाँ एक रैक पॉइंट बनाई गई है लेकिन वो चालू नहीं हुई है। अभी जो हम रैक पॉइंट यूज कर रहे हैं सर वो गोंडा की यूज कर रहे हैं। जी सर।